लहू पर आपके मुस्कुराहट हो जाए तो क्या बात है, लहू पर आपके मुस्कुराहट हो जाए तो क्या बात है, जिंदगी में खुशियों की आहट हो जाए तो क्या बात है, और जो खामोश बैठे रहने से अच्छा है एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट हो जाए तो क्या बात है। बहुत बहुत आभार आपका जिस मोहब्बत के साथ आप सुन रहे हैं। अब मैं आप ये बच्चे को कैमरे पे दिखाया जा रहा है, जो कोई भी हो माता पिता यहाँ पे कोई घूम रहे हो तो उनसे निवेदन है कृपया मंच के पास आकर अपने बच्चे को ले जाएं यहाँ से और बच्चों का ध्यान रखें, विशेष तौर पर सभी से निवेदन है। वाह क्या बात है, मैं कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक प्रश्न पाकिस्तान का है तो पाकिस्तान को हमने स्पष्ट कर दिया है कि पाकिस्तान या कश्मीर पर कोई बात नहीं होगी, बात हो सकती है। बहुत अच्छे वाह वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अंदाजे होगा एक और आवाज है, बहुत पॉपुलर आवाज है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की आवाज, मोदी जी आते अगर वो जालौन महोत्सव में आके आपके महोत्सव की शुरुआत करते हो देखा मैं, अगर वो आते बिल्कुल ऐसे मुझे लगता है ये बोलते हो भाइयों पर मेरे देश में और देश के उन्नत प्रदेश राजस्थान जालौर महोत्सव चल रहा है, शानदार कार्यक्रम हो रहा है, दीपक सैनी प्रस्तुति दे रहे हैं, दीपक सैनी को बुलाना चाहिए कि नहीं बुलाना चाहिए कि नहीं बुलाना चाहिए, दीपक सैनी को बुलाना चाहिए, हर प्रोग्राम में बुलाना चाहिए और इतना मोटा लिखा मोदी जी अपना स्टाइल से कोई तो है जो चोटी कार कर ले जा रहा है और ये हमारी माता बहनों को केजलेस बना रहा और जो लोग चोटियां काट रहे हैं मैं उनसे भी कहना चाहता काटना हो तो गरीबी को काटिए, काटना हो तो बेरोजगारी को काटिए और चोटी ही काटनी हो ना तो उनकी काटो जो पार्लर में कटवाते हैं। पीछे पीछे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी आए, आप बोलेंगे वो पॉइंट कोमा फुल स्टॉप के साथ बिल्कुल यही बोलते तो मुझे बताना, मैंने पूछा उनसे केजरीवाल जी ये बताइए सबकी चोटियां कौन काटा है, ये नरेंद्र मोदी कटवा रहा है सबकी, ये सारी चोटी देश के अंदर नरेंद्र मोदी कटवा रहे कोई कटवा रहे ये सारी मंत्री गंजे आपके भी तो मंत्री गंजा मनीष सिसोदिया को गंजा है, गंजा मंत्री कह देना गंजा नहीं है, वो लोकपाल मांगते सरकार त्रिपाल हो गया। बहुत आवाज है पिछले दिनों एक मेरी आवाज बहुत पॉपुलर हुई बहुत वायरल हुई पता नहीं आप लोगों तक आई कि नहीं आई, राकेश टिकैत जी की आवाज आपने देखी है वीडियो, हमारे किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, राकेश टिकैत जी की आवाज सुना अंदाज को मजे लेना उनसे, मैंने कहा भाई साहब मैं जा रहा हूं महोत्सव में जा रहा हूं क्या करोगे, आंदोलन होगा आंदोलन करेंगे जालौर में करेंगे आंदोलन आंदोलन होगा, मैंने तो बताया जी सपना सोनी जी बहनी इनकी कल शादी की सालगिरह है इनकी है भी कल भी है, आंदोलन करेंगे सपना सोनी जी की सालगिरह मनाएंगे आंदोलन करेंगे, हाँ अमरदार किसी ने केक काटा कोई केक नहीं काटेगा यहाँ कोई केक नहीं काटेगा गुड़ कटेगा, हर किसी का अपना अपना अंदाज होता है सबका, एक बिल्कुल बिल्कुल नहीं आपको आवाज सुनाता हूँ अंदाज आपको सुनाता हूँ उसके बाद एक तो कविता भी आपको सुनाऊंगा अपने कविताओं के लिए बुलाया जो आपने पूरे भारत में किसे नहीं से नहीं सुनी होगी, हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी की आवाज सुना अमित शाह जी के अंदाज का अंदाज सुनना, अमित शाह जी के भाषण अगर वो आपके जाल महोत्सव में आते तो कैसे शुरू करते नहीं सुनिएगा हमारे देश के गृह मंत्री कुछ लोग कार्यक्रम में आते हैं आकर के बैठ जाते हैं पर ताली नहीं बजाते हैं, अभी भी एक दो लोग बचे हैं, ऐसे लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने यह फैसला किया है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने यह फैसला किया है अगर
कवि सम्मेलन में कोई व्यक्ति ताली नहीं बजाएगा, हमारे कवि उसके घर में खुद के कविता सुना करके आएंगे। मजा आ रहा है आज तो तुम्हें फसुआ तुम्हें तुम्हें क्या इतना बहुत मजा आ रहा है। आइए मैं एक छोटी छोटी कविता आपको सुनाता हूँ कि आपने कभी सम्मेलन के लिए बुलाया। इतना शानदार जालौर महोत्सव होता है, हमने भी देखा यूट्यूब पर देखा, बहुत प्रसिद्ध आपका एक कार्यक्रम होता है जालौर महोत्सव का, आज इसमें आपने मुझे बुलाया। एक से बढ़कर एक कविताएं लिखी जाती है हर विषय पर, कोरोना चल रहा है।